हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। तो आज बैटरी चेंज करेंगे क्योंकि ये वाली बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो इसमें दूसरी बैटरी डलेगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ख़राब हो गई तो 3 4 बार परेशान भी हो चुके हैं, तो आवाज़ सुनिए आप। लगाइयो, फिर से लगाइयो, बात रहने दो रहने दो। तो बैटरी ख़राब हो गई है, थोड़ा इंजन घूमता है उसके बाद बंद हो जाता है क्योंकि बैटरी में जान नहीं है। पहले शायद लगा था कि सेल्फ ख़राब हो गया है, तो सेल्फ दिखवाया तो सेल्फ ठीक था, तो मिस्त्री ने बताया कि इसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो बैटरी चेंज करवाएंगे। एक बार और मैं बता दूं कि एक बैटरी है जो कंपनी वाली है, जो कंपनी से आती है, इसकी ये बैटरी नहीं है। इसकी पहले ख़राब हो गई थी, ये न्यू गाड़ी की है जो आपने देखा होगा, जिसका एक्सीडेंट हुआ था उस गाड़ी की ये बैटरी है। और एक छोटी भी है ये बैटरी, तो उस गाड़ी की है जो कंपनी ने दी थी। तो इसमें दूसरी बैटरी डलवाएंगे एमरॉन की, ये वाली, ये 65 एम्पियर की है और पिकअप में भी 65 एम्पियर की ही लगती है, ये फिट आएगी बिल्कुल। उसका मैं अभी गैप दिखाता हूँ, काफ़ी छोटी बैटरी है और ये फिक्स बैठेगी। और ये भी बताऊँगा कितने की ये पुरानी बैटरी कटती है, तो यहाँ पर मैं गैप दिखाऊँगा आपको, तो गैप इसमें काफ़ी है क्योंकि ये छोटी बैटरी है, तो ये वाली इसमें फिक्स बैठेगी और इसमें अच्छी वारंटी भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ये मिस्त्री बैटरी निकाल रहे हैं, तो मैं दिखाऊंगा अभी कि कितनी छोटी है ये बैटरी। हालांकि इसकी बैटरी काफ़ी दिन पहले ख़राब हो गई थी, तो न्यू गाड़ी की इसमें बैटरी रखी थी, आप लोगों को पता ही होगा, न्यू गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी ये बैटरी है, इसकी उसमें रख दी थी। तो ये काफ़ी छोटी बैटरी है, तो इसमें दूसरी बैटरी डलवा रहे हैं आज। तो बैटरी की बात करते हैं, तो इसकी 24 मंथ की वारंटी है, अगर कभी भी ख़राब होती है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये वारंटी कार्ड है, इसी को भर के वो दे देते हैं, तो इसकी वारंटी भी अच्छी मिल जाती है और अच्छी बैटरी है। और इसमें एक बात और कि ये फिक्स बैटरी है, यानी कि 65 एम्पियर की है जो पिकअप में लगती है, तो इसका वारंटी कार्ड है, ये आपको भर के मिल जाता है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो पड़ी है 6100 रुपये, यानी 6200 बता रहे थे, तो 6100 की उन्होंने दी है, 6100 रुपये की। तो यहाँ पर मिस्त्री जी फिट कर रहे हैं बैटरी, वो वाली छोटी थी, यानी कि जहाँ पर ये बैटरी फिट होती है तो नीचे गैप रह जाता था, इसमें गैप नहीं रहेगा क्योंकि ये इसी की बैटरी है, यानी कि 65 एम्पियर की है, 65 एम्पियर की लगती है पिकअप में। तो मैंने एमरॉन की डलवाई है, काफ़ी अच्छी बैटरी है, लॉन्ग लाइफ रहती है इसकी और 24 मंथ की वारंटी मिल जाती है, अगर आपकी ख़राब होती है तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं। तो चलिए अब चेक करके बताते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि इसका मेन रीज़न बैटरी था कि बैटरी ख़राब हो गई थी इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। और पुरानी बैटरी का ही बताते हैं कितने रुपये की पुरानी बैटरी कटी हुई है, तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको। बंद करो फिर से थोड़ी एक बार, करो स्टार्ट करो, आइए तो इसका सेल्फ सही था, सिर्फ बैटरी खराब थी, तो बैटरी चेंज करवा दिए। गाड़ी को 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है, तो इसकी बैटरी हालांकि पहले ख़राब हो गई थी लेकिन वो दूसरी डाल दी थी बीच में, अब इसमें न्यू डल रही है पहली बार। और ये पुरानी वाली बैटरी रखी हुई है, ये 1100 रुपये की काटी है इन्होंने, यानी कि 1100 रुपये उसी बैटरी में कम हो जाएंगे, यानी कि 5000 की बैटरी पड़ी है। और इस बैटरी को आप घर भी ले जा सकती हैं अगर आपको नहीं कटवाना है, या और ज़्यादा कभी कट सकती है, अगर आप 2 4 जगह बात करते हैं, तो ये अपना वारंटी कार्ड है, इसको भरेंगे और ले जाएंगे घर। और बैटरी आपको कटवाना है या नहीं कटवाना है वो आपके ऊपर है, आप अपने घर भी ले जा सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, कोई बल्ब भी जला सकते हैं, क्योंकि इतना चार्ज तो वो रहती है। तो 5000 रुपये लगे हैं बैटरी देने के बाद।